नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज खबरों की शुरुआत नेताओं की फ्लू फिल्म से। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हुआ, बीमारी जिसके बारे में उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। तमाम नेता कह रहे थे कि आप जल्दी सेहतमंद हों, जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बीके हरिप्रसाद ने ऐसा बयान दे दिया जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। अमित शाह और गाबरी आगे ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ರೋಗವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ ಶರ್ಮ ಲಿಹಾಜ್ ಜೈಸೆ ಧೋಕರ್ ಪಿ ಗಏ, ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕಾ ತಕಾಜಾ ಭಿ ಭೂಲ್ ಗಏ, ಮರ್ಯಾದಾ ತಾಕ್ ಪರ್ ಚಲಿ ಗಈ. ಬಿಮಾರ್ ನೇತಾ ಚೂಂಕಿ ವಿರೋಧಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾ ಹೈ, लिहाजा कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद तो सारी हदें ही पार कर गए। दरअसल नेता बीके हरिप्रसाद की जुबान क्यों फिसल गई, इसका संदर्भ भी जान लीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीमार हैं, उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है। अमित शाह ने खुद ये जानकारी ट्विटर पर दी। अपने ट्वीट में अमित शाह ने लिखा कि उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमित शाह ने उम्मीद भी जताई कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां बीजेपी के तमाम नेता उन्हें देखने और कुशल क्षेम पूछने भी पहुंचे। उनको थोड़ा आराम की जरूरत है, और ज्यादातर सब लोगों को मैं यही सूचना देना चाहती हूं कि आप खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, कुछ ऐसा नहीं है, पर इन्फेक्शन क्योंकि है तो जो भी इन्फेक्शन के दवाई लेनी है वो लेनी पड़ती है, तो हम लोग भी सब दूर ही रहे बहुत ज्यादा। अमित शाह को स्वाइन फ्लू होने की खबर ऐसे वक्त में आई जब कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीके हरिप्रसाद को अमित शाह की बीमारी में ऑपरेशन लोटस की नाकामी दिखाई देने लगी। अमित शाह और गाबरी आगे ज्वर बंदी थे, ज्वर अंदरे कमी ज्वर अल्ल, अद हंदी ज्वर अंत हेल्तारे, स्वाइन फ्लू अंत हेल्तारे। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ರೋಗವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ತೀರ್ ಕಮಾನ್ ಸೆ ಔರ್ ಬಾತ್ ಜುಬಾನ್ ಸೆ ನಿಕಲ್ ಜಾಯೆ ತೋ ವಾಪಸ್ ನಹೀ ಆತಿ. ವೈಸೆ ಭಿ ಯೇ ತೋ ಸಿಯಾಸತ್ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಹೈ, ಜಹಾಂ ತಿಲ್ ಕಾ ತಾಳ್ ಭಿ ಬನಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಯಹಿ ವಜಹ ಹೈ ಕಿ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಬಯಾನ್ ಪರ್ ತೂಫಾನ್ ಖಡಾ ಹೋ ಗಯಾ. ಇನ್ಕೋ ಇತ್ನಿ ಭಿ ಶಾಲೀನತಾ ನಹೀ ಹೈ कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तबीयत खराब है, तो उस पर भी जो है वो मजाक और उस पर भी है वो इस तरह की गंदी और घटिया और बेहुदा बात. लेकिन हार्दिक पटेल है वो तो ये तक कह रहे हैं कि जो दंगाई है डॉक्टरों को भी सोचना पड़ेगा. पागल है वो, पागलों की बात मैं नहीं करता. कांग्रेस पार्टी के जब अध्यक्ष खुद आकर किसी के स्वास्थ्य की जल्द से जल्द ठीक होने की मनोकामना दिखाते हैं और कहते हैं 100% हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो मन की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है, तो वो ही कांग्रेस पार्टी का पक्ष है, वही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है. अमित शाह की बीमारी पर बीके हरिप्रसाद के बोल बिगड़े तो बीजेपी की तरफ से बारूदी बयानों के तीर चलने लगे. जरा देखिए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ये ट्वीट. बीमारी में भी राजनीति, ऐसी निकृष्टता. बीके हरिप्रसाद जी ने श्री अमित शाह जी को स्वाइन फ्लू को कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ा है. श्रीमान आप अंतर्यामी हैं, तो देश को ये भी बताइए कि सोनिया जी को कौन सी बीमारी किस कारण से है. अभी कल ही वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत खराब होने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें जल्द ही सेहतमंद होने के लिए शुभकामनाएं दी थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की पार्टी के ही नेता बीके हरिप्रसाद ने राहुल के किए कराए पर पानी फेर दिया. बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है. राहुल से मांग हो रही है कि वो बीके हरिप्रसाद की बदजुबानी के लिए माफी मांगे. जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की संस्कृति कैसी है, कांग्रेस का कल्चर कैसा है. एक तरफ तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस प्यार की पार्टी है, मैं प्यार बांटता हूं, ये प्यार है. इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार से बीमारी का मौकरी करना, मजाक उड़ाना, ये हिंदुस्तान की जनता है, बहुत संवेदनशील जनता है, ये सब कुछ देख रही है.
तुरंत राहुल जी को इसके ऊपर क्षमा याचना करनी चाहिए। राजनीति में मर्यादा की दीवार जैसे टूट गई है। कभी ऐसा भी वक्त था कि सियासत सियासी मंच पर होती थी, सियासी दुश्मनी की आंच आपसी रिश्तों पर नहीं आती थी, लेकिन ये 21वीं सदी की राजनीति है। यहाँ दुश्मनी सियासी हो या निजी, दुश्मनी का मतलब दुश्मनी ही होता जा रहा है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। नेता अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन किसान क्या करे जिसको गोवंश इस वक्त परेशान करते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अस्पताल हो, स्कूल हो, खेत हो, खलिहान हो, गाय तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सबको हम जल्दी से जल्दी शेल्टर में डाल देंगे, क्या हुआ तेरा वादा? जहां देखो वहां गाय, सड़क पर गाय, खेतों में गाय, स्कूलों और अस्पतालों में गाय, कूड़े कचरे के ढेर पर मंडराती गाय, कहीं सांडों की कुश्ती, कहीं बछड़ों की खींगा मुश्ती। उत्तर प्रदेश की गोरक्षक योगी सरकार के लिए गाय अब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुकी है। पूरे यूपी के किसान गौवंश के उत्पात से परेशान है। गाय से परेशान किसान अब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में गोवंश की हत्या और तस्करी पर तो लगाम लगाई गई, लेकिन दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। ये गोवंश किसानों की फसलें सफाचट कर जा रहे हैं। यही वजह है कि जगह जगह किसानों ने आवारा गोवंश को कहीं स्कूलों में तो कहीं अस्पतालों और दूसरे सरकारी दफ्तरों में खड़ा कर दिया। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का बुलंद नारा गोरक्षा पर सख्त कानून के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के आगे फीका पड़ रहा है। बूढ़ी और बेकार गाय को खुला छोड़ने पर किसानों पर FIR हो रही है। आवारा मवेशियों से परेशान गांव वाले इन्हें स्कूलों में ताला बंद कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों में गाय को लेकर बढ़ता खौफ, ये सब योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि पूरे राज्य में जगह जगह काउ शेल्टर बनाए जाएंगे। इनका खर्चा शराब और दूसरी कुछ चीजों पर टैक्स लगाकर वसूला जाएगा। उन्होंने 10 दिन के भीतर आवारा पशुओं को काउ शेल्टर में डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया। हर जनपद को, हर नगर निगम को हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में धनराशि दे रखी है कि वे अपने अपने जनपद में बड़े बड़े गौ अभ्यारण्य बनाएं, गौ सदनों का निर्माण करें जिसमें 5,000 10,000 गौ वंश एक साथ रखी जा सके, उनकी सेवा की जा सके। योगी के आदेश के बाद प्रशासन में हलचल हुई, आवारा पशुओं को पकड़ने का काम शुरू हुआ। ये भी ऐलान हुआ कि जो भी किसान अपनी गाय को खुला छोड़ेगा उस पर 5,000 का जुर्माना ठोका जाएगा। लेकिन इस फरमान का कितना असर हुआ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गौवंश के आतंक से परेशान किसान अब रात में अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं, नजर चूकी कि पूरी फसल चौपट। ये सारी फसलों को जो है चट कर रहे हैं, आधी फसल तो हमने बोनी भी बंद कर दी। 6 बीघे गेहूँ वो रखे, उनमें पानी जो लगाया, पानी के लगाने के तुरंत बाद सब गा दिया, होने की भी पैदा भी नहीं होगी। इतने गो हो गए जी, दिन रात खेत में रहना पड़े, दिन में काम करना पड़े, रात को इनकी निगाह रखनी पड़े। प्रदेश में चल रही निजी गौशालाओं में गायों की हालत खस्ता है। अलीगढ़ के टप्पल के इस गौशाला को देखिए, खुले में बनी इस गौशाला में ठंड की वजह से पिछले कुछ दिनों में 6 गायों ने दम तोड़ दिया। डेथ हो रही है मेनली कि जो गाय गर्मी पे आती है तो उस पर एक साथ 4-4, 5-5 सांड माउंट करते हैं, उसके कारण वो गिर जाते हैं, फिर हटने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। काफ़ी इलाज के बाद भी कुछ तो हट जाते हैं, अलग उन्हें कर देते हैं तो ठीक हो जाते हैं, कुछ डेथ कर जाते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ का गौ प्रेम किसानों पर भारी पड़ रहा है। आवारा जानवर खेत में खड़ी फसल चर जा रहे हैं, किसानों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। इस रात की सुबह कब होगी किसानों को नहीं पता, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में अपने ही खेतों में अपने ही मवेशियों से चिड़ी इस जंग की सुबह का इंतजार इन सबको है। दिल्ली के तख्त का रास्ता यूपी के इन्हीं खेतों से होकर जाता है, लेकिन योगी सरकार से नाराजगी कहीं मोदी के मिशन 365 पर भारी न पड़ जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करथला गांव से कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ आनंद पटेल, आज तक। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन और जन्मदिन पर केक काटने का समारोह, अलग अलग जगहों से
केक के काटने के और फिर लूटने के भी वीडियो वायरल होने लगे। मायावती ने सारा का सारा ठीकरा मीडिया के सिर पर फोड़ दिया। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जो डील थी वो लगभग पक्की हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर जगह जगह केक की लूट की खबरें न सिर्फ मीडिया में छा गई बल्कि सोशल मीडिया में भी केक लूट के वीडियो वायरल हो गए। मायावती के जन्मदिन से ज्यादा जन्मदिन के केक की लूट की खबरें सुर्खियों में छा गई। आज मायावती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। मेरे जन्मदिन के खुशी के मौके पर गरीबों द्वारा ज्यादा से ज्यादा जन्मदिन का केक खाकर खुशी मनाने की उनकी इच्छा को केक की लूट बताकर इसको नेगेटिव घटना के रूप में मीडिया द्वारा प्रचारित करना। मायावती के जन्मदिन के मौके पर उनके साथ उनके भतीजे आकाश आनंद की तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। बीएसपी पर परिवारवाद के आरोप भी लगे। मायावती ने अपने भतीजे का बचाव करते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। मेरे छोटे भाई के बेटे श्री आकाश आनंद को मेरे जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में हाल ही में मेरे साथ कुछ कार्यक्रमों में शामिल रहने पर उसको पार्टी में बढ़ावा देने व उत्तराधिकारी आदि के रूप में ये सब बीएसपी विरोधी षड्यंत्र है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। आज ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन की पश्चिमी यूपी में सीटों पर बंटवारा भी करीब करीब तय हो गया। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 सीटों में से समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी जबकि बागपत मथुरा और मुजफ्फरनगर सीटें आरएलडी के खाते में गई हैं। अगले कुछ दिनों में इन सभी सीटों पर गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। राम रहीम को एक बार फिर से सजा सुनाई गई है। इससे पहले भी उम्र कैद की सजा दी गई थी 2 अलग अलग मामलों में। एक बार फिर से उम्र कैद की सजा, मतलब यही कि मरते दम तक जेल में रहेगा राम रहीम। राम रहीम, इस नाम से अब पूरा देश वाकिफ है। बाबा की अय्याशियों से, बाबा के कारनामों से, बाबा के कुकर्मों से, बाबा के गुनाहों से। आज हम बाबा राम रहीम के चेहरे से एक और नकाब हटाने जा रहे हैं। जी हाँ, वो नकाब जिसके बाद बाबा का जल्लाद चेहरा आपको नजर आएगा। किस तरह से बाबा ने अपने शार्प शूटरों को एक पत्रकार की सुपारी दी, किस तरह से बाबा ने एक पत्रकार को गोलियों से भुनवा डाला। लेकिन आज बाबा के गुनाहों का हिसाब हो रहा है। बाबा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। बाबा को उसके पापों की सजा दे रहा है। रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बाबा को उम्र कैद की सजा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई राम रहीम को उम्र कैद। 16 साल पुराने हत्याकांड में बाबा को उम्र कैद की सजा। अब मरते दम तक जेल में ही रहेगा बाबा राम रहीम। 20 साल जेल काटने के बाद शुरू होगी राम रहीम की नई सजा। बाबा राम रहीम को अब 20 साल प्लस उम्र कैद की सजा। कहते हैं कि वक्त सदा एक साथ किसी का नहीं रहता। बाबा राम रहीम को उसके गुरु शाह सतनाम सिंह ने डेरा सौंपा तो बाबा खुद को भगवान समझ बैठा था। वो डेरे की दौलत पर राज करने लगा था और भक्तों को अपने पैरों की धूल, अय्याशी, अत्याचार, भोले भाले भक्तों को ठगना और डेरे में हीरो बनकर फिरना, बाबा ने अपना यही काम बना लिया। साथ ही बाबा कहलाने लगा खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है तो बड़ी जोर से पड़ती है। बाबा के अत्याचारों की अति हुई तो डेरे से उसके खिलाफ आवाजें भी उठने लगी और राम रहीम का सारा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। पहले तो डेरे की साध्वियों से बलात्कार के जुर्म में 20 साल के लिए जेल गया और अब राम रहीम को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 16 साल बाद ही सही, लेकिन रामचंद्र छत्रपति के परिवार को इंसाफ मिल गया और बाबा को उम्र कैद की सजा मिली।
आहत महसूस कर रहे हैं। पत्रकारिता की मीडिया की जीत है, राष्ट्रपति की जीत है, सच्चाई की जीत है। कहते हैं इंसान जैसा बोता है वही काटता है। रोहतक की सुनारिया जेल में बाबा राम रहीम जेल की चक्की पीस रहा है। इस राम रहीम पर तरस खाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये वही राम रहीम है जिसका डेरा उत्पात के लिए मशहूर हुआ, साध्वियों से बलात्कार के लिए मशहूर हुआ, लोगों को नपुंसक बनाने के लिए मशहूर हुआ, बेगुनाहों की हत्याओं के लिए मशहूर हुआ। कानून की देवी के सामने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में तमाम गवाह और सबूत तो पहले ही पेश हो चुके थे, अब बारी सजा के ऐलान की थी। राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था ताकि वो भी अपने गुनाहों का फैसला होते हुए देख और सुन सके। बाबा को इसलिए पंचकुला कोर्ट में नहीं लाया गया ताकि कोई अनहोनी ना होने पाए। हालांकि राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोहतक जेल से पंचकुला की अदालत में पेश किया गया था, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा सरकार और प्रशासन के हाथ पांव लगातार फूले रहे। रोहतक, सिरसा और पंचकुला में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी और इसके अलावा हर शहर में आने जाने वालों की तलाशी ली गई। कुल मिलाकर सजाए सुनाए जाने तक हरियाणा और पंजाब सरकारों के हाथ पैर फूले रहे। अब कहीं ना कहीं दोनों सरकारों ने राहत की सांस ली है। हम आपको बता दें कि 25 अगस्त 2017 को जैसे ही साध्वियों से बलात्कार के जुर्म में कोर्ट ने बाबा को 20 साल की सजा सुनाई, दंगा भड़क गया। बाबा के गुंडों ने उत्पात मचा दिया, 36 लोगों की मौत हो गई। लेकिन पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में जैसे ही कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई, बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन जज साहब ने टेबल पर हथौड़ा पटक दिया। यकीनन बाबा का दिल उस हथौड़े की गूंज के साथ जरूर धड़का होगा और बाबा ने भी अपनी पूरी सजा का हिसाब लगा लिया। दो साध्वियों से रेप केस में 20 साल और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद। जी हां, पहले बाबा रेप कांड में 20 साल की सजा पूरी करेगा, उसके बाद रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सुनाई गई उम्र कैद की सजा शुरू होगी, यानी बाबा अब जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आने वाला है। सतेंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। अपराधों की फेहरिस्त इतनी लंबी और नाटक उससे भी बड़ा। एक बार फिर से आज जेल में रोता हुआ नजर आया राम रहीम। राम रहीम जिसे ये डर था कि कहीं फांसी की सजा नहीं हो जाए, लेकिन सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि क्या होगा, क्या से क्या हो गई जिंदगी दोनों की। जी हाँ, वक्त ने किया क्या हसी सितम। आजकल जेल में हनीप्रीत और बाबा राम रहीम यही गाना गा रहे होंगे, क्योंकि कहां तो 700 करोड़ के ढेरे में सिर्फ और सिर्फ राम रहीम और हनीप्रीत की सल्तनत चलती थी और कहां अब दोनों जेल में बैठे आंसू बहा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, मुकद्दर का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता। हनीप्रीत और राम रहीम के मुकद्दर में भी बदनामियां रुसवाइयां लिखी थी जो अब सामने आ रही है। पत्रकार रमेश चंद्र छत्रपति हत्याकांड में जिस वक्त बाबा राम रहीम को पंचकुला की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया, तो बाबा ने बाल काले किए हुए थे, यानी रंगे हुए थे, जबकि पिछली पेशी के दौरान राम रहीम की दाढ़ी काली थी, सिर के बाल भी सफेद दिख रहे थे। बाबा सफेद कुर्ते पजामे में आया था। राम रहीम को पिछली तारीख पर जब दोषी ठहराया गया था तो उस समय राम रहीम के बाल खुले हुए थे, सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी और पूरी पेशी के दौरान वो हाथ जोड़कर बैठा रहा। लेकिन अब जब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तो राम रहीम सफेद कपड़ों में अपने बालों पर काला रंग करके आया था। शायद उसे उम्मीद थी कि उसे कोई राहत मिलेगी, लेकिन 16 साल से चली आ रही इस लंबी लड़ाई में राम रहीम के पापों का पर्दाफाश हुआ है और उसे एक बार फिर से उम्र कैद की सजा हुई है। पंचकुला की सीबीआई अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को कातिल ठहराते हुए फैसला पढ़ना शुरू किया और राम रहीम समेत सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही सभी दोषियों को 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। पत्रकार हत्याकांड के दो दोषियों कृष्णलाल और निर्मल सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल की और सजा सुनाई। मर्डर और साजिश के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मोबाइल आई नहीं रहा, माइक यार हमारा ऊपर कर दो।
अब कोर्ट ने राम रहीम की जिंदगी का एक एक दिन जेल में मुकर्रर कर दिया है। राम रहीम जितने दिन भी जिएगा वो जेल में ही रहेगा। यह खबर हनीप्रीत के पास भी पहुंच गई होगी। हनीप्रीत इस वक्त अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद है। राम रहीम की सख्त सजा को सुनकर उसकी सांसें भी फूल रही होंगी, क्योंकि हनीप्रीत पर भी संगीन आरोप हैं। जी हाँ, हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने अपने 14 साथियों के साथ 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में बाबा को भगाने के लिए दंगों की साजिश रची, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद से हनीप्रीत फरार हो गई। बाबा तो 25 अगस्त 2017 से ही जेल में बंद है, लेकिन हनीप्रीत 3 अक्टूबर 2017 को यानी 3 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ी और तभी से कानून के शिकंजे में है। अभी फैसला हनीप्रीत का भी होना है। आज तक ब्यूरो। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे को 16 साल इंतजार करना पड़ा इस न्याय की घड़ी के लिए, एक लंबी लड़ाई। आरोप पता है क्या था? आरोप ये कि राम रहीम ने सुपारी दी थी पत्रकार को मारने की। शार्प शूटर्स ने राम रहीम के गोलियों से भून दिया था पत्रकार को। अपनी जिन दो साथियों से बलात्कार के जुर्म में बाबा 20 साल की सजा काट रहा है, उसका कनेक्शन भी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रामचंद्र छत्रपति ने अपने सांध्यक पर पूरा सच में वही गुमनाम पत्र छाप दिया था, जिस पत्र की वजह से राम रहीम आज सलाखों के पीछे है। इसके बाद से ही बाबा के काले कारनामों का खुलासा होना शुरू हुआ, लेकिन इसका खामियाजा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कहते हैं कि सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने जब बाबा के यौन शोषण की कहानी अपने अखबार में छापी, तब से ही बाबा और उसके गुंडे उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। 24 अक्टूबर 2002 को दिन दहाड़े बाइक पर सवार दो शूटरों ने छत्रपति को 5 गोलियां मारी। बाद में 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामचंद्र छत्रपति की मौत हो गई थी। मैं कॉन्फिडेंट था बिल्कुल कि एक ना एक दिन तो इंसाफ मिलेगा। देरी हुई है, काफी देरी हुई है, लेकिन ये दिन तो आना ही था। सच की विजय हुई है और सच कभी छुपाया रहा दबाया नहीं जा सकता। छत्रपति की मौत के बाद 2003 में ही सिरसा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन राम रहीम की ऊंची पहुंच के चलते केस में आगे कुछ नहीं हुआ। बाद में बलात्कार के मामले के साथ साथ 2006 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस को भी अदालत के आदेश पर हरियाणा पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। शुरुआती तफ्तीश के बाद 2007 में सीबीआई ने इस मामले में राम रहीम और उसके 3 लोगों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसमें राम रहीम को इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया गया था। जो मेरी अगुवाई थी उस पे आज इनको सजा हो गई है और उम्र कैद की सजा होती है और 50,000 जुर्माना सजा। इस मामले में कुल 46 गवाह पेश किए गए थे, लेकिन राम रहीम को गुनहगार ठहराने में जिसकी गवाही सबसे ज्यादा अहम साबित हुई वो कोई और नहीं बल्कि राम रहीम का अपना पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह था। खट्टा सिंह ने बाकायदा कोर्ट में गवाही दी थी कि गुरमीत राम रहीम ने उसके सामने ही पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या करने का हुक्म जारी किया था। हालांकि रेप कांड की तरह इस हत्याकांड के मामले में भी इंसाफ मिलते मिलते 16 साल बीत गए। अब 16 साल बाद जाकर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के घर वालों को इंसाफ मिला है। राम रहीम को सजा सुनाए जाने से पहले हरियाणा सरकार ने अदालत में याचिका देकर कहा था कि राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सजा सुनाई जाए, क्योंकि इनपुट लगातार इस तरीके से आ रहे थे, अगर राम रहीम को रोहतक से पंचकुला लाया जा सकता है तो एक बार पहले वाली हिंसा दोबारा दोहराई जा सकती है, और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई तो हरियाणा सरकार के साथ साथ उस परिवार ने भी राहत की सांस ली है जो 16 साल से लगातार राम रहीम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। कैमरामैन दलीप साहू के साथ सतेंद्र चौहान, पंचकुला आज तक। मुंबई में डांस बार फिर से होंगे गुलजार। हाँ, नोट उड़ाए नहीं जा सकेंगे। मुंबई
मुंबई में फिर खुलेंगे डांस बार, माया नगरी में फिर सजेंगी महफिल, मुंबई में फिर थिरकेंगी बार बालाएं। एक वक्त था जब मुंबई डांस बार के लिए मशहूर थी, बार बालाओं के डांस के लिए मशहूर थी। मधुर भंडारकर ने तो फिल्म भी बना दी थी, जी हाँ, चांदनी बार। अचानक मुंबई के डांस बार्स पर ताले पड़ गए, डांस बार्स का धंधा चौपट हो गया। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के डांस बार्स को खोलने की परमिशन दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। डांस बार सिर्फ रात में 11:30 बजे तक ही खुलेंगे। डांस बार के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे। डांस बार में टिप दे सकते हैं, नोट नहीं उड़ा सकते। डांस बार में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने बहुत सारे प्रोविजन स्ट्रक डाउन कर दिए हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए, जैसे कि प्राइवेसी, सीसीटीवी अब नहीं लग पाएंगे, और जो एक रूल था कि 1 किलोमीटर के अंदर आप कोई डांस बार नहीं खोल सकता बिकॉज ऑफ ऑल द मस्जिद एंड ऑल मंदिर, वो सब भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि मुंबई और आसपास के इलाकों में करीब 3000 डांस बार थे, जिनसे करीब 75,000 बार बालाओं को रोजगार मिला हुआ था। 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार पर रोक लगा दी थी। 2006 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने डांस बार से लगी रोक हटा दी थी। उसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार खोलने की इजाजत दे दी है। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ देवेश सिंह, मुंबई आज तक। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए aajtak.in पर जाएं और YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।